नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक तरफ विपक्ष लगातार एनडीए में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कोशिश विफल साबित होती नजर आ रही है। जी हां, अब आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के महज 5 दिन के भीतर मोदी सरकार ने चंद्रबाबू नायडू की इच्छा पूरी कर दी। जी हां, मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। ये बड़ी खबर है और टीडीपी प्रमुख नायडू की जो प्रमुख मांग थी, यानी तेल रिफाइनरी और साथ ही पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है। और ये खबर आई है कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इसकी घोषणा कर सकती है। यानी साफ है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, फिर चाहे वो टीडीपी हो, फिर चाहे वो जेडीयू हो, उन्हें किस तरीके से साथ लेकर चलना है। और नायडू ये बार बार कह रहे हैं कि राज्य का हित उनके लिए सर्वोपरि है, और अगर राज्य का हित दरअसल एनडीए के साथ है तो जाहिर तौर पर वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। ये बार बार उनकी तरफ से कहा गया है। और अब ये बड़ी खबर है कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जो कि एनडीए के एक मजबूत सहयोगी हैं, एक बड़े सहयोगी हैं, उनकी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर ली है। अब आंध्र प्रदेश के लिए दरअसल ये दो बड़ी मांग थी, एक तो तेल रिफाइनरी की और दूसरा पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने की, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल केंद्र की जो एनडीए की सरकार है उसमें प्रमुख जो सहयोगी दल है वो है नायडू की पार्टी, और उन्होंने भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करके आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी स्थापित करने को लेकर चर्चा की थी। अब लोगों की नजरें तो इस बात पर टिकी हैं कि नायडू की इच्छा तो पूरी हो गई, वहां पर उनके जो मांग थी वो दरअसल उन्हें मंजूरी मिल गई, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या तमाम मांगे पूरी होंगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। चूंकि जाहिर तौर पर केंद्र में टीडीपी के साथ जेडीयू भी अहम भूमिका में है, और भले ही उनकी सीटें लोकसभा में टीडीपी से कम हो, लेकिन किस तरीके से जेडीयू भी सरकार में एक बड़े सहयोगी के तौर पर है ये साफ है। लेकिन जो खबरें हैं वो ये कि अब बिहार के मुख्यमंत्री पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में जानकारों के हवाले से ये लिखा है कि रिफाइनरी के लिए आंध्र प्रदेश में 3 जगहों पर फिलहाल चर्चा की गई है। इसमें एक जगह है श्रीकाकुलम और साथ ही दूसरी जगह है मछलीपट्टनम और तीसरी जगह है रामायपट्टनम। ये 3 जगह है जहां पर ये रिफाइनरी जो है स्थापित करने के लिए चर्चा की गई है। जानकारी ये भी सामने आई है कि रिफाइनरी की औपचारिक घोषणा 23 जुलाई को जो बजट पेश होगा उसमें की जा सकती है, लेकिन स्थानों का मूल्यांकन किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहां पर रिफाइनरी स्थापित किया जाए, फिर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इसमें कम से कम 2 महीने का समय लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, और मुश्किल है कि बजट में इस बात की घोषणा हो। लेकिन बजट में इस बात की घोषणा जरूर होगी कि टीडीपी ने जो मांग की थी, यानी आंध्र प्रदेश को एक जो है रिफाइनरी और साथ ही दूसरा पेट्रोकेमिकल हब स्थापित करने के जो उनके कहीं ना कहीं मांग थी उसको पूरा किया जाएगा। भले ही कहां पर आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर यह रिफाइनरी स्थापित होगी इसकी घोषणा ना की जाए, लेकिन आंध्र प्रदेश को यह बड़ा तोहफा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। आपको बता दें कि यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ अपनी बैठकों के दौरान रिफाइनरी स्थापित करने के लिए जोर दिया था कि आंध्र प्रदेश में रिफाइनरी स्थापित की जाए, और नायडू के 16 सांसद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बहुत जरूरी समर्थन देते हैं। तो स्पष्ट है कि नायडू की अपनी मांग है जिसे सरकार को पूरा करना ही होगा।
हालांकि नायडू स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि उनके मन में अपने राज्य के हित हैं और वो किसी भी मांग पर नाव को हिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है, रिफाइनरी राज्य के विभाजन के समय की नई प्रतिबद्धता है और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 93 में ये कहा गया है कि केंद्र नियत तिथि से 10 साल की अवधि के भीतर उत्तराधिकारी राज्यों की और सतत विकास के लिए 13वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी आवश्यक उपाय करेगा। 13वीं अनुसूची के बुनियादी ढांचे शीर्षक के तहत चौथा बिंदु यह कहता है कि आईओसी या एचपीसीएल नियत तिथि से 6 महीने के भीतर उत्तराधिकारी राज्य आंध्र प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड कच्चे तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की जांच करेगा और उस पर फैसला जल्द ही लेगा। तो इसके तहत ही लगातार जो है नायडू चूंकि मुख्यमंत्री वहां पर हैं आंध्र प्रदेश के, तो ऐसे में उनकी कोशिश यही है कि अगर वो सत्ता में हैं, अगर दरअसल एनडी में उनके सहयोग से अगर सरकार में जो है जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो ऐसे में उनके जो राज्य के हित के लिए जो भी फैसले लिए जा सकते हैं वो लिए जाए। और लगातार चंद्रबाबू नायडू इस बात का जिक्र अपने बयानों में करते रहे हैं कि एनडीए में रहकर जाहिर तौर पर वो कोशिश करेंगे कि आंध्र प्रदेश को विकास के रास्ते पर, साथ ही जो आंध्र प्रदेश के लिए जरूरी प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं उन्हें पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में वो लगातार बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं बीपीसीएल और पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस कदम के बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन नायडू ने दरअसल एक्स पर यह लिखा है कि देश के पूर्वी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित हमारे राज्य में पेट्रोकेमिकल की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। आज मैंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में इनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। हमने आंध्र प्रदेश में 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की संभावना पर विचार किया है। नायडू ये भी लिखते हैं कि मैंने 90 दिन में एक विस्तृत योजना और साथ ही एक रिपोर्ट मांगी है। इस परियोजना के तहत लगभग 5,000 एकड़ भूमि की जरूरत होगी, जिसे सरकार बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। यह चंद्रबाबू नायडू की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेगी तो ये दो बड़ी घोषणाएं इस बजट में आंध्र प्रदेश के लिए की जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ नजरें जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हैं, तो इस एनडीए की सहयोगी जेडीयू पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है और नीतीश कुमार की मन के मुताबिक अगर काम नहीं हुए तो वो कभी भी पलटी मार सकते हैं और यही विपक्ष भी बार बार कहता रहा है। लेकिन इन सब के बीच जहां आंध्र प्रदेश की दो प्रमुख मांगे सरकार ने मान ली है, तो वहीं बिहार पर नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि बिहार में 9 हवाई अड्डे, 4 नई मेट्रो लाइंस और 7 नए मेडिकल कॉलेज के साथ 200 अरब का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र से पैसा मांगा गया है। 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई की सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से मांग रखी है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग है। ऐसे में बिहार को लेकर बजट में भी कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये बजट दिलचस्प होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे स्टेट हैं जहां से जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बिहार से जेडीयू हो चाहे आंध्र प्रदेश से टीडीपी हो, वो एनडीए के सहयोगी दल हैं। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो बिहार के लिए कई मांगे कर रहे हैं, तो वहीं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के लिए कई मांगे कर रहे हैं और उन्हें अगर किसी भी तरीके से निराश किया तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सरकार में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्हें मनाने की किस तरीके से कोशिश रहेगी इस पूरे बजट में, लेकिन वहीं विपक्ष की कोशिशों को कहीं ना कहीं यहां पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जो ये कह रहे हैं कि एनडीए जो है जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप 5 साल आराम करिए क्योंकि एनडीए जो है इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।